So I would now like to call Miss Navheera Sheikh ji on stage, please. Thank you, Vineet ji and Puneet ji and Miss Navheera Sheikh ji. So now, with your special permission, can we start with the AV, please? तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं नवहीरा शेख जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए, प्लीज। अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। थैंक यू नवहीरा जी एंड बाल्की जी, थैंक यू। अब मैं मोहम्मद अकील जी को स्टेज पे आने का निमंत्रण देती हूँ। प्लीज आके दो शब्द कहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। ऑनरेबल सीईओ ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड President of All India Mahila Empowerment Party, Dr. Navheera Sheikh Sahiba, Executive Board of Directors of Hira Group, Memberan, Mehmanan Ikram, Buzurgon, Doston, aur nihayat hi muazziz, meri maao aur behno. Kuch log aise khushkismat hua karte hain जो दूसरों की रहनुमाई और दस्तगीरी का जिम्मा अपने सर ले लेते हैं। ये वो लोग हुआ करते हैं जो हालात को बदलने का हौसला और वक्त के साथ चलने का तरीका इनको आता है। इनके कदमों में निहायत ही फातिहाना अज्म और फातिहाना सलाहियतों के ये मालिक हुआ करते हैं। इनकी पेशानियों पर कामयाबियों के राज लिखे रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हिंदुस्तान की राजधानी में तारीख रकम कर रही है। 12 नवंबर सन 2017 यह हिंदुस्तान की तारीख का वो सुनहरा दिन है जब कभी मुअर्रिख तारीख लिखेगा तो डॉक्टर नवहीरा शेख साहिबा के नाम को वो फरामोश नहीं कर पाएगा। इनके सामाजिक कामों और कौमी कामों के शौक के जज्बे ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं महकाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी देकर महका दिया है, खुशगवार बना दिया है। मैं इस मौके पर डॉक्टर साहिबा आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वो हीरा ग्रुप जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का ख्वाब लेकर वजूद में आया था, आज एक सॉलिड मजबूत पाकीज़ा माशरे की बुनियाद रख रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मोहम्मद अकील जी फॉर योर लवली स्पीच. मिलते हैं उस शख्स से जो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट, किकबॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट और एक बेहद उम्दा इंसान है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सभी के दोस्त सुनील शेट्टी की. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए. This is a surprise, but I think a fantastic occasion. Women achievers, they always say that behind every successful man there's a woman, but I've always believed that there are only women and women behind successful men or unsuccessful men also. They are women for sure. It could be in the form of a wife, a mother, a daughter, a sister. So they surround us, they support us. I think I've been fortunate enough to, experience something that was absolute magical. I think the birth of Thea. And when I saw my wife deliver, I think that was the day that I realized what women are all about. The pedestal of a mother is instantly given to that wife. So, a very, very important period in my life. At the same time, a beautiful occasion to acknowledge those who've given back to society in such a big way. So congratulations, ma'am, for your achievement, Puneet, Vineet, for what you guys are doing, and the very best to all of you. Thank you. Hindustan mein do sabse bade mazhab, dharm ya religion. एक बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट. और जब बात क्रिकेट की हो तो हर दिल अजीज़ हरफन मौला, देश का सबसे बेहतरीन फील्डर, बैट्समैन और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन सर को कोई कैसे भुला सकता है. आइए आपको रूबरू कराते हैं उनसे और सुनते हैं उनसे दो शब्द. आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ. अपनी पहली फिल्म में इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड जीता और फिर कई सारी थ्रिलर्स और हिट फिल्म्स के जरिए इन्होंने हमारा भरपूर मनोरंजन किया. एक आदर्श बेटा, एक कंप्लीट फैमिली मैन और एक उम्दा एक्टर, मिस्टर बॉबी देओल. मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और हमसे दो बातें करें. Okay, it's always been a great honor to be a part of APA's events. She's an awesome lady. She has done so much for the women in our country, and it's awesome to come across someone like her. This is not the first event I'm attending of hers, and today is a special event because it's honoring all the achievers, the women achievers of our country. And for me, my mother was the strongest person. I know my dad is very strong. But that's what you all have all seen. But my strength has always been my mother, and times have changed. And it's so nice to see that women are giving that importance and people are understanding that men and women are equal. So here I am to honor the achievers, the women achievers of our country. And thank you so much, APA, for inviting me for this event. You're an amazing and awesome woman. Thank you so much for having me here. By the way, good evening, Sasriyakaal, Adab. I am Namrita Sehrawat and I'm going to be your host for this evening. Asafalta ek chunauti hai, ise swikar karo. Kya kami reh gayi, dekho aur sudhar karo. Jab tak na safal ho, neend chain ko tyago tum. Sangharsh ka maidan chhod kar mat bhago tum. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वेल, वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू रिवॉर्ड आर अचीवर्स. तो चलिए इस शाम की शुरुआत करें हमारे पहले अवार्ड से. बल्कि शेख, सबसे पहले हम बुलाएंगे एक ऐसी शख्सियत को
जिन्होंने नौहेरा शेख जी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद और साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये समाज की तरफ भावना और औरतों के उजागर भविष्य के लिए इन्होंने ही नौहेरा जी को रास्ता दिखाया। नौहेरा जी की माताजी बल्किज शेख को सलाम करता है। मैं सुनील शेट्टी सर से दरख्वास्त करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और नौहेरिस जी की माताजी बल्किज शेख जी को इस अवार्ड से सम्मानित करें। कैन वी हैव अ ह्यूज अप्लॉज एवरीबॉडी। सुनील सर एंड बल्किज जी, you know, before giving the mic to Hell Aunty, I would like to say something. There was a dialogue in Anna's film that there's a boy who says मेरे दो दो बाप, एंड इट वॉज वन ऑफ द फनीस्ट मूवमेंट्स ऑफ द फिल्म। एंड आई रिमेंबर आई वांटेड टू सी द फिल्म इन द थिएटर एंड एवरीवन यूज्ड टू लाफ, इट वॉज अ कॉमेडी फिल्म, बट फॉर मी आई कैन वेरी प्राउडली से दैट मेरे दो दो माँ। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु हैव एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन एंड व्हाट अ मदर ब्रिंग्स टू अ होम, एंड आई फॉर्चुनेटली हैव टू ऑफ देम। She's a lovely lady and she deserves all the respect. And thank you so much, Appa. I mean, you've invited here. In fact, when I was talking to Hella Aunty, I was telling her that you make us all so proud. Thank you so much for inviting us all here. Thank you, Dr. Saab, for calling me here, inviting me. It's an honor to be here with you and all these beautiful people. And Vineet, thank you, Vineet. You thought of me. Everything has been said about all us women. Three cheers for us. Hey, babe, hooray. Thank you. Namaskar, Assalamu Alaikum, and good evening. I am just so delighted to be here to participate in this evening because it really is about women. I've always been proud to be a woman, proud to be an Indian woman, and I am so filled with pride that there are women like Dr. Sheikh who are putting themselves forward to help those who are underprivileged and those who are needy and those who need to get things done. Because like they say, life is not fair. And many, many, many women need representation, need help, need support. And thank you so much, Dr. Sheikh, that you are doing this. Apa, thank you for the invitation. Every time we get together for a women empowerment a function, or you know, when we all collect under a roof, it's just always wonderful to be surrounded by such powerful women, especially the ones who I'm sitting with. So it feels fantastic. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
आदाब नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि जब शायरी को तवज्जो मिली है, एक जगह मिली है, तो वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, क्योंकि ये ज़बान को अहमियत दी गई है, हिंदी को अहमियत दी गई है, उर्दू को अहमियत दी गई है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब औरत खड़ी हो जाती है, कुछ सोच लेती है कि मुझे ये करना है, तो फिर वो कर ही बैठती है। मैं डॉक्टर साहब आपके लिए कहना चाहूँगी कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। आई थिंक बिफोर सानिया स्पीक्स आई मस्ट से कि इनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि तीन लोग लगे इनको अवार्ड देने में। सो आई विल लीव यू, प्लीज़ से समथिंग। सो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं आपा से पहले भी मिली हूँ, मैंने आपा को हाँ जी, और मैंने आपा को यही तब भी कहा था कि हम लोग तो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप जो करती हैं वो ट्रूली इंस्पिरेशनल है। आप इतने सारे अचीवर्स को एक साथ एक रूम में लेके आई हैं एक शाम में, और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये है कि व्हाट यू डू फॉर यंग गर्ल्स, आई हैव सीन इट इन तिरुपति इन द मदरसा, व्हाट यू डू इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल, एंड नो मैटर व्हाट वी अचीव we cannot match that, so congratulations to you for that. This I think is a moment of pride, not only because I'm getting it, but because of the other achievers whom I'm happy to be associated with. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Poonam Dhillon, ma'am. Thank you so much, Aftab, sir. So, well, it's time to have a look at our next achiever of the evening. So, let's have a look. Hi, ma'am. Please come to the side. Good evening. Namaskaram. And... कहते हैं कि जिंदगी में जब हादसे होते हैं, डॉक्टर नौहेरा आई एम रेड अबाउट यू, लास्ट वीक आई वाज इन तिरुपति एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी, मतलब आपा जी को जैसे प्रोग्राम करा रहे हैं उससे क्या है कि जो लोग वुमन को डोमिनेट करते हैं तो उनको थोड़ा ऐसा होगा कि वुमन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, वुमन को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा देश और पावरफुल बने, मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड पे। Moving on to our next award of the evening. Can we have a mic here? Dr. Sheikh, thank you for having me here. First time I'm meeting you. I think it's just an honor just to be here with all these lovely ladies. My lovely Atiya there. And I think we support each other and we empower each other in our own way. And it begins within yourself. So you're stronger than you know, ladies. All the men out here, you support us and you make us stronger as well. So this is for every woman out there. Thank you. And thank you so much for all the work that you're doing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aur tamam behno aur bhaiyon ka
मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर हम सब पहुँचे हैं। और मैं सबसे पहले मेरे पैदा करने वाले मालिक मेरे अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि जिस रब ने हम सबको पैदा किया और मर्द को और औरत को दोनों को भी अल्लाह ने बनाया है और उनके अंदर सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ उस अल्लाह का कि जो हम सबको एक ज़मीन पर पालता है और एक ही आसमान का पानी हम सब पीते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें एकता की आवाज़ देते हैं, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं, जो काफ़ी चीज़ें हैं हमें एक बनाते हैं। और सारे लोगों ने कहा कि आपा इतने बिजी शेड्यूल में जो आप इतना बिजनेस संभालती हुई ये सारे ख़वातीन का जो काम करती हुई आपको ये पार्टी लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है, काफ़ी लोगों ने कहा। पार्टी लॉन्च करने का मेरा एक ही मकसद है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसान के लिए इंसाफ हो। और मैं सारी दुनिया को और मेरे भारत में एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाऊँ एक मंच पर, और उसके लिए सारे बहनों की मुझे ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो। मज़हबों में हम सब अलग अलग रहते हैं मगर जब इंसानियत का एक रिश्ता आता है तो हम सब एक हैं। इंसानियत के रिश्ते में हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। मैंने सारे चैनल्स में देखती हूँ, कभी न्यूज़ देखती हूँ, तो सिर्फ एक बात पर लड़ाई होती है कि हिंदू और मुस्लिम झगड़ते रहते हैं घंटों घंटों, जबकि इस झगड़े से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। आओ लोगों में, सियासत में आओ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सियासत में आओ लोगों की भलाई करने के लिए। मैंने गौर किया, मैंने न्यूज़ों को देखा, मैंने सारे चीज़ों को पढ़ा और वुमेन्स के लिए जो है आज इंडिया के अंदर 135 करोड़ पीपल्स हैं, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा पब्लिक। जबकि अगर 250-260 कंट्रियों को आप जोड़ लेंगे तो 10-20-25-40-50 कंट्रियां सिर्फ इंडिया में मौजूद है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में मौजूद है। उस 135 करोड़ के जो आबादी है उसके अंदर 64 करोड़ वुमेन्स हैं, 64 करोड़ वुमेन्स हैं। ये जो 64 करोड़ वुमेन्स हैं 100 कंट्रियों में भी 64 करोड़ पीपल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किसी कंट्री में सिर्फ 10 लाख लोग हैं। आप देखेंगे कि अरब के गल्फ़ कंट्री में भी आप चेक करेंगे तो दुबई में देख लीजिए 10 लाख लोग, अगर सऊदी अरब में आप देख लीजिए 35 लाख अरबी लोग, मतलब इस तरह से लाखों की तादाद में हैं। अगर हम 64 करोड़ वुमेन एक हो जाएंगे, अगर एक बात पर अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सारे तब्दीलियां कर सकते हैं। और ख्वातीन को हमने क्या किया, एक बोझ बना दिया। और इस पार्टी को लाने के लिए मैंने सोचा कि 20 साल 1998 से मैं सोशल वर्क करती हूँ, 1998 से खरिये खरिये में जाके मैं ख्वातीन को बताती हूँ कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमको कैसे रहना चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने हम सबको पैदा किया और मुझे इस पार्टी के ज़रिए से एकता का पैगाम देना है। और कोई मकसद नहीं है, ना सीट मकसद है, ना हुकूमत मकसद है, ना सियासत मकसद है, सिर्फ मेरा मकसद है कि इंसानियत को एक बनाना और इंसानियत का एक रूप देना। इसी का एक नमूना था आज जो है हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम और जो है वुमेन्स अचीवर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया, मुझे बहुत ही बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए मैं इंसानियत के एकता होने की अगर हम सब सोचते हैं तो बहुत बड़ी दलील है। आज हम देखते हैं कि हमारे सर के ऊपर एक आसमान है जिसको हम सबको पैदा करने वाले ने बनाया है। क्या उसने डिवाइड किया है कि इतनी आसमान का हिस्सा हिंदू के लिए है, इतनी आसमान का हिस्सा मुसलमान के लिए है, ये सूरज की रोशनी इतनी देर इनको लाइटिंग देगी, ये सूरज की रोशनी इनको इतने देर लाइटिंग देगी? बिल्कुल नहीं। चांद की रोशनी सबके लिए भी एक, सूरज की रोशनी सबके लिए भी एक, आसमान की रोशनी आसमान है सबके लिए भी एक, जमीन भी है सबके लिए एक, फिर हम क्यों झगड़ झगड़ के मर रहे हैं? अभी मैंने देख रही थी कि लोगों को जो है कि ब्लड डोनेशन करते हैं, जब ब्लड का बॉटल लेके जाते हैं
तो ब्लड डीएनए ही पूछता क्या मुझे हिंदू में डाल रहे हो, क्या क्रिश्चियन में डाल रहे हो, क्या मुस्लिम में डाल रहे हो, क्या ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्या है ये ब्लड। और ब्लड एक होता है तो चढ़ जाता है, तुम जी कर उठ जाते हो, तो फिर इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसान एक मटेरियल से बना हुआ है। 20 लाख से ज्यादा खवातीन ने मुझे मेल किया, मैं उसको भी उनको भी सैल्यूट करती हूँ जो सब के सब मिले हुए थे और कहते हैं कि आप हम साथ हैं, आप जो है काम अल्लाह के फजल से जो है कि शुरू करिए। और मैं यहाँ जितने भी भाइयाँ और बहनें हैं मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगी कि MEP ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, MEP किसी जात की पार्टी नहीं है, MEP किसी मजहब की पार्टी नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर पार्टी है, यह पब्लिक की पार्टी है, यह हर वो भाई की पार्टी है जो बहन की इज्जत की हिफाजत करना चाहता है, हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराना देखना चाहता है, वो हर शौहर की पार्टी है जो अपनी बीवी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, हर इंसान की पार्टी है, ये सारे लोगों की भी पार्टी है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हम सबको इसमें लेकर चलने की तौफीक दे, बस खास हमें यह दे कि इखलास के साथ हम काम करें, ना हमें वो चीज़ें चाहिए जो पैसे दे के खरीदते हैं, हमें वो चीज़ें चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा था जब दिल्ली का न्यूज़ आया 2 दिन पहले तो मैंने विनीत को फ़ोन किया, मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त साथ देता है, हर काम में साथ देता है, कोई भी लीगल वे होता है तो विनीत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा इससे जो है बात करते हैं और ख़ासकर से ये लीगली एडवाइज़र भी हैं और मेरे भाई के जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने मैं कहा कि विनीत सारे लोग कैसे आएंगे, दिल्ली में तो इतना ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि फ्लड हो रहा है, स्मोक आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सुभान अल्लाह आज आपकी मोहब्बतों को देख कर मेरा वो सोचना हार गया और तुमने हज़ार हज़ार किलोमीटर से, दो दो हज़ार किलोमीटर से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमेटी पूरे इंडिया से यहाँ बैठी है, हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी का एक एक मेंबर अल्लाह के फजल से यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम आगे जाएंगे तो इंडिया के जीतने में कोई बहुत कम वक्त है और बहुत जल्द हम जीत सकते हैं और बहुत जल्द वो बिल पास कर सकते हैं जो 18 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है वुमेंस के लिए 33% देने के लिए। हर किसी को तकलीफ होती है, कोई भी उस पर साइन करने को तैयार नहीं होते, कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं होते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब सपोर्ट रहेंगे तो 33 क्या 50% बिल इंशाल्लाह पास करा के अल्लाह के फजल से हम रहेंगे और मैं उम्मीद रखती हूँ मेरे भाई और बहन सब के सब मुझे साथ देंगे और मैं इखलास के साथ काम करना चाहती हूँ, सिर्फ मैं कौम की खिदमत के लिए काम करना चाहती हूँ, मुझे इस पार्टी से कोई जरिए की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे बहनें इतने भी जो यहाँ आए हैं हर कोई एक एक काम में करके एम्पावर में ही अल्लाह के फजल से, मगर वो भी इस प्लेटफॉर्म में आ जाए, क्यों कि आज मैंने सोचा कि वुमेन्स को क्यों टिकट्स नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत सारे पार्टियों से पूछा तो लोग कहते हैं कि आपा जब हम टिकट मांगते हैं तो 5 करोड़ मांगते हैं, 2 करोड़ मांगते हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने वो क्या है पता नहीं। मेरी बहनों मैंने फैसला किया है, मेरे भाइयों मैंने फैसला किया है, जो भी NGOs ही मैंने फैसला किया है पहले से जो कौम के लिए काम करते हैं उनके लिए मेरे टिकट्स अवेलेबल होंगे ताकि वो कौम की खिदमत कर सके, ना कोई शराबियों के लिए, ना कोई बाजारी पर रहने वालों के लिए, ना कोई सिर्फ सीट पकड़ के बैठ जाए उन लोगों के लिए नहीं, पहले से कौम की खिदमत करने वाले, औरतों की इज्जत करने वाले, वो सारे भाइयों के लिए, वो सारे बहनों के लिए जो है मेरी पार्टी में इंशाअल्लाह जगह है। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हुई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई कि प्रोग्राम को हमारे सक्सेस बनाया, क्योंकि प्रोग्राम का और एक हिस्सा अवार्ड का थोड़ी देर के लिए बाकी है और मैं हमारे भाई विनीत का भी जो है ये सारे सेटअप्स करे प्रोग्राम के लिए अरेंजमेंट किए और पुनीत का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। जितने भी यहाँ पर अचीवर्स वुमेन्स आए हैं और सेलिब्रिटीज़ आए हैं उन सब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक ताकत बन जाएंगे, अगर हम सब मिल जाएंगे तो फिर कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ना किसी औरत को बस में जाने के लिए डर होगा, ना किसी औरत को ऑटो में जाने के लिए डर होगा, ना किसी औरत को निकलने के लिए घबराना होगा, ताकि हमको कोई हुकूक नहीं देगा, हमारे हुकूक को हमको लेना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नवेरा जी। I had lots and lots to speak, but to be very honest, I'm completely dumbfounded after
hearing a wonderful speech of Dr. Navera Sheikh today. I really, truly salute her, admire her for all her work. और मुझे लगता है कि उनके अल्फाज सुन के मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी उनके काम के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से आज के मेरे लिए हाईलाइट यही है कि आज आपके काम से, इतने बड़े बॉडी ऑफ वर्क से मैं I got to know about it. And मुझे लगता है कि हम सब तो स्क्रीन पर जगमगाते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर सोसाइटी को जगमगाना हो तो ऐसे शख्स जगमगाती हैं, ऐसी शख्सियत जगमगाती हैं. सो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ. और ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हम सब से बन पाएगा, हम सब इस मामले में ज़रूर करना चाहेंगे. मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी ही सही, लेकिन हमारी जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगी अपने आप में खास होगी, ऐसी मैं ख्वाहिश करती हूँ. ऐसे मैं ऊपर वाले से विनती करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नवेरा जी. महिला को जीना ही पड़ता है और महिला ने जीना चाहिए, इसीलिए आपका काम करती है. क्या बात है, आज तो मेरी भी कॉलर टाइट है. मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला. वो बोलते हैं कि चलो हम तो जीना सीख लिया, और महिलाओं को भी जीना चाहिए, सबने एक जगह आना चाहिए और सोचना चाहिए कि खुद दर्द की दवा हो और उसे न दवा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले. मेहनत से बनने वाले, मेहनत से बनने वाले, पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर. और अभी तक मैं सोच रही कि ये सही नहीं है, एक महिला इतना बड़ा कैसा कर सकती है. अभी तक तो मेरे को लगता था मैं ही बड़ा काम करती, आज मैं हार गई. बाबा सलाम करती हूँ. सिंधु ताई मैम एंड सुनील शेट्टी सर, बॉबी दियोल सर, एज वेल एज सोहेल खान सर, थैंक यू सो मच. आई वुड रिक्वेस्ट फरा मैम एंड सानिया मैम टू प्रेजेंट दिस अवार्ड टू आवर वेरी ओन नेहा धूपिया मैम. Can we have a huge applause, everybody? Now I would request Dr. Navera Sheikh, Ismail Sheikh, as well as Poonam Dhillo ma'am to present the award to our next achiever, which is one and only Alka Yagnik ma'am. Can we have a huge applause, everybody? थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर. डॉक्टर शेख, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी जो ये कोशिश है ये सराहनीय है. बहुत आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट विवेक शुक्ला सर, GM, Corporate Affairs, The Lalit Hotel, to please collect the award on the behalf of Jyotsna Suri. Thank you.
Thank you so much, everyone. Thank you so much, Dr. Saiba, for considering me for this beautiful award. I dedicate this award to my entire disabled fraternity, who truly deserve this, because we proudly say that a part of our body is paralyzed. Rest everything is fantastic and phenomenal. Our determination is not paralyzed. Our confidence is not paralyzed. Our self-respect and self-beliefs are not paralyzed. Above everything, our dreams and ambitions are not paralyzed. Thank you, Saiba. Thank you for giving me this award. Thank you. Allah ka shukr hai ki jab Parwardigar-e-Alam apne bandon ki khidmat ke liye किसी को मुंतखिब करता है तो एक छोटे से घर में आंध्र प्रदेश में और वो भी जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है वहां पर तौहीद की शमा जलाकर उस मां की आगोश में जब पैदा हुई तो अल्लाह के बंदों ने इनके मां बाप ने उसका नाम रखा नोहिरा शेख यानी नोहिरा का मतलब ये हुआ कि जो चमकेगा वो तो पूरी दुनिया में चमकेगा और मैं इस अल्लाह की बंदी को जब देखा तो आज मैं कह सकता हूं अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां बैठता है साउथ ब्लॉक में मैंने हिंदुस्तान के 10 प्रेसिडेंट को देखा 11 प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा और आज भी मेरा एकता भवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाजू है वहां पर बैठने के बाद इस अल्लाह की बंदी को मेरी इस दीनी बहन को देखने के बाद मैं कहता हूं ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बंदी हुई है जब अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है तो नूरा शेख को पैदा कर देता है Thank you so much, everybody. Thank you so much. And a very, very hearty congratulations to all the achievers.